नमस्कार, मैं संगीता झा नेशनल नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। औरंगाबाद के रफीगंज थाना अंतर्गत रामपुर में उच्च विद्यालय का उद्घाटन किया गया। रामपुर में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 8वीं के बाद गांव से बाहर जाना पड़ता था। उच्च विद्यालय के हो जाने के बाद से विद्यार्थियों को अब गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि रामपुर वासियों की मेहनत और मोहम्मद शमीम और जुबैर अंसारी के प्रयास और मेहनत से गाँव वासियों को उच्च विद्यालय की अनुमति मिल गई। उद्घाटन के बाद से गाँव वासियों में खुशी का माहौल है। पश्चिम बर्धमान की टीएमसी की महिला जिला प्रेसिडेंट अल्पना बनर्जी द्वारा 17 नंबर वार्ड में लाल बाजार एपी स्कूल में एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग के दौरान कन्याश्री रूपश्री सास्तु साथी और टीएमसी द्वारा विभिन्न कार्य को लेकर चर्चा की गई। 17 नंबर वार्ड की महिला प्रेसिडेंट पद्मा मल्लिक के नेतृत्व में यह मीटिंग रखी गई, जिस दौरान उपस्थित रहे पूर्णिमा मल्लिक, सुरोचना घोष, सीमा मांझी, लकी धुबोर, अन्य पार्टी की नेत्रियाँ भी मौजूद रहीं। औरंगाबाद के रफीगंज में समाज सेवी इस्तिकात फरहान रफीगंज प्रखंड के केरा पंचायत के नवाखाप गांव में लोगों के घरों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और गांव वालों को कोरोना महामारी के दौरान सावधान रहने के लिए जागरूक किया। साथ ही गांव वासियों की समस्याओं से भी अवगत हुए, जहां गांव वासियों ने पानी की समस्या, पेंशन से जुड़ी समस्या, रोड की बदहाल स्थिति को लेकर बताया। वहीं गांव वालों ने रोजगार संबंधी समस्याओं को बताते हुए कहा कि रोजगार नहीं मिलने की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समाज से भी 50 बार हर विधायक एमपी कहता है कि आपको का दरवाजा हम कर देते हैं, हम तब करवा लेंगे, तो लोग क्या कहेगा, नेताजी का तो चिकना है, हम लोग पानी में घुस चले। ये बच्चे तो हम बात कर रहे हैं कि पहले अपने करवाते हैं तब दूसरा के, पहले दूसरे का तब अपना, हमारा तो होगा ही, हमारा कहीं नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, हम 10 रगड़ लेंगे बिना भार लिया अपना, ये भार लिया काम करवा, इसलिए ध्यान रखिए, अपन ले लिया काम का है। हाँ, ये अपना काम है, मुखिया के हाथ में करके बस राम के हाथ खाली बस भाई भाई आपका। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।